हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ चीज़ें इसमें जो हमारी पहाड़ में ही बनते होंगी शायद। तो दोस्तों, मेरे संग बने रहे। मैं आज क्या बना रही हूँ अपने लंच में वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने भिगाए हैं बड़ी। ये बड़ी है मूँग की बनाई हुई मैंने, ये बढ़िया मूँग और ककड़ी की। तो मैंने झाड़ू में बनाई थी, पिछले झाड़ू में ही बनाई थी। तो कभी कभी ये भी हम दिन में बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने भिगा रखी हैं बड़ियाँ, पहाड़ी बड़ी की रेसिपी। और टमाटर काट रखा है, प्याज, और इसमें मैंने कूटी है कुटा है लहसुन। तो तीन चीज़ मैंने तैयार कर रखी है। मैं अब तड़के में तेल मेरा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो मैंने डाल दिया तड़के में जीरा। अब मैं डालूंगी प्याज, दो दोस्तों प्याज को ब्राउन होने तक मैं भून लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने बड़ी भी हल्की सी ब्राउन कर ली है, तल ली है। ये मैंने बड़ी भी रख दी है क्योंकि मैं थोड़ा बड़ी डालना पहले भूल गई थी। उनके हल्के से प्याज पहले निकाल लिया ब्राउन करके। तो अब मैं बनाती हूँ मसाला। बनी में बड़ी मैंने भून के किनारे रख दी। तो दोस्तों, मसाला पक के हो गया है तैयार। मसाला तब तक पकना चाहिए जब तक मसाला तेल ना छोड़ देखे। इसमें तेल अलग किनारे होने लग गया मसाला, तो तभी मसालों का स्वाद आता है। तभी खाना जो भी बनता है, हमारी दाल वगैरह या रेसिपी जो भी हम पहाड़ी रेसिपी बनाते हैं बड़ी बड़ी वगैरह, तो तभी उसमें टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने बढ़िया भुनी थी। ये मैंने डाल दी बढ़िया। देखिए सेम कलर लग रही है बढ़िया और मसाला, क्योंकि ब्राउन वो भी बनाए हैं मैंने, ब्राउन ये भी बनाए हैं मसाले। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी। तो दोस्तों, थोड़ा ये ऐसे ही अपने आप पकेगा। फिर मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी बना रही, क्योंकि ये बहुत पतला हो जाएगा। देखिए ये पतला हो जाएगा। इसको ग्रेवी बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ा आटा। आटा को मैं पानी में घोल दूंगी आटे को, फिर मैं इसको डालूंगी। तब तक ये थोड़ा अपने आप पकता है, तो मैं तब तक और काम कर लूँ। तो दोस्तों, एक साइड मेरा लंच हो रहा तैयार। तो मैं बना लेती हूँ मलाई। मैंने आपसे बहुत पहले की वीडियो में, जिसने देखी होगी मेरी वीडियो, तो मैंने बोला था उस समय मैंने घी बनाया था। तो मैंने आपको दिखाऊंगी बोला था कि मैं जब मलाई बनाऊंगी। देखिए, तब से मेरा एक हफ्ते में मेरा लगभग इतनी मलाई, एक डोंगा मलाई बन जाती है। तो मैं अब इसको बनाऊंगी मिक्सी में। तो आपको दिखाती हूँ कि कितना मक्खन बनता है और कितना घी बनता है, घर में कितने फ़ायदे हैं मलाई के। मलाई खाना हमारे लिए वैसे भी सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और घी बन जाए तो क्या मज़े हैं। तो दोस्तों, ये उबलने लग गया है मेरी बड़ी की सब्जी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आटा घोल के, ताकि थोड़ा गाढ़ा, ये तो काफ़ी पतला हो जाएगा, ये खाने में मज़ा नहीं आता है। ये देखना, ये देखिए, अब इसको पकने का इंतज़ार है बस। तो दोस्तों, मैंने जार में डाल दिया मक्खन और उसमें पानी भी डाल दिया। अब मैं इसको मिक्सी में बना लेती हूँ। तो दोस्तों, मक्खन बन के हो गया एक मिनट में तैयार। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे वहाँ जो दूध लगा है वो है गाय का। गाय का दूध होने के बावजूद मेरे यहाँ इतनी अच्छी, देखिए क्या मजा आ रहा। गाय भैंस तो हमारे पास नहीं है, पर फिर भी अगर हम उसको ढंग से यूज करें दूध का, तो देखिए कितना बढ़िया दो काम हो जाता है, दूध भी आ जाता है। और जो ये नीचे इसका जो मट्ठा बनेगा, इसमें थोड़ा सा दही डाल के हमारे झोली के काम भी आ जाएगा। वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा बन जाता है, बिल्कुल दही जैसा जम जाता है ये, क्योंकि तीन चीज़ बन जाती है,
एक तो हम दूध पी लेते हैं ऊपर से, देखें कितना है, थोड़ा सा है उसमें भी, इतना अच्छा बन गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इतना तो मेरा मक्खन बना हुआ है, ये इतना मक्खन। अब शाम को मैं इसको शाम को गलाऊंगी, फिर कितना घी निकलता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं गलाऊंगी। और इसमें मैं एक मग्गे में रख देती हूँ इस मट्ठे को, और इसमें मैं अब डालूंगी दही थोड़ा सा, एक चम्मच जामुन के लिए, और ये फर्स्ट क्लास से दही बन जाएगा। अगर रायता बनाओ तब भी काम आ जाता है, अगर वैसे नहीं बनाओ झोली खाओ तब भी खाना है। तो दोस्तों है ना कितना अच्छा, घर में कितनी चीज़ें बन जा रही है। अगर हमने दूध लगाया है, दूध से मट्ठा भी बन जा रहा है, घी भी बन जा रहा है, और दूध भी पिया जा रहा है। अगर हम मलाई खाएंगे तो फैट ज़्यादा बनता है, इसीलिए हम इस तरीके से उसको निकालें, स्टोर करके रख दें हम फ्रिज में, तो हमारे इतना अच्छा काम बन जाता है, घर का घी बन जाता है, और दही या मट्ठा जो भी है कहे हम वो भी हमारा यूज आ जाता है। तो एक पंथ तीन काज ये चीज़ होती है। तो दोस्तों बड़ी बन के हो गई है तैयार, ये देखिए हमको तो बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं और पहाड़ी खाना हमें बहुत पसंद आता है, क्योंकि दाल वगैरह खाते खाते मन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है रोज दाल खाना, तो इसीलिए कभी कभी बड़ी चुरकानी और डुबके वगैरह बनाने चाहिए। अभी मैंने डुबके नहीं बनाए हैं, कभी आगे को मैं डुबकू की भी रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी। तो आज मैंने बनाई थी बड़ियाँ, तो दोस्तों मैंने बड़ी बनाई। अब एक साइड से मैं बना रही हूँ रोटी, ये मैंने बनाई है छोटी रोटी भगवान जी के लिए। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ रोटी, और ये फिर ये लोग आएंगे खाने के लिए दुकान से, क्योंकि ये लोग दुकान में है, बेटा भी मेरा दुकान में है और मेरे हस्बैंड भी दुकान में है। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ फर्स्ट रोटी, तो मैंने अग्निदेव को चढ़ा दी, भले ही दिन में हम सुबह मतलब सुबह नाश्ते में हमने आज ब्रेड मक्खन लिया था, तो दिन में जब भी रोटी बनाती हूँ मैं फर्स्ट रोटी मैं बनाती हूँ गौ माता के लिए। तो फर्स्ट एक रोटी जो मैंने उस अग्निदेव के लिए बनाई, जो ये रोटी सेक रही हूँ मैं, ये रखूँगी मैं गौ माता के लिए, क्योंकि हमारे दूध वाले जो भैया आते हैं अपने चले गए तो ठीक है, नहीं तो उनकी गाय है ही, उन्हीं को सारा हम जो भी राशन बचता है हमारा गाय को ही देते हैं। तो ये रोटियाँ भी मैं दो तीन दिन स्टोर कर लेती हूँ, जैसे आज बनाई दो तीन दिन की, दो चार रोटियाँ होनी थी, फिर मैंने गाय को देती हूँ, उन्हीं को भैया को दे देती हूँ। तो ये रोटी में फर्स्ट रोटी, ये रोटी मेरी जाएगी गाय को। तो दोस्तों गौ माता की सेवा, और तो हम पाल तो हम सकते नहीं है, भाई इतना ही है कि जो हम अपने खाने में से फर्स्ट बार जो रोटी बनती है, हम फर्स्ट रोटी जो होती है अग्नि को चढ़ती है, दूसरी रोटी जो होती है गौ माता को बनती है, और जो लास्ट रोटी होती है मेरा अप्पू है, आपने मेरा अप्पू दिखाई है, अप्पू खाता तो नहीं है वैसे रोटियां, कभी कभी खा लेता है, तो उसके लिए बनती है लास्ट रोटी, और उसको ज़्यादा चाहिए ब्रेड वगैरह खाता है, मन बिस्कुट खाता है, कभी कभी खाता है, तो उसके लिए रोटी लास्ट वाली रोटी अप्पू के लिए बनती है। तो दोस्तों दिन भर में कुछ न कुछ काम बने रहता है, इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे, कल थर्सडे था तो कल के दिन मैं कपड़े नहीं धोती थी, आज इतने सारे कपड़े हो रखे, मैंने इनको लगानी है तह। तो दोस्तों मैं कपड़ों की तह लगा, तो मैंने कपड़ों की लगा दी तह अच्छी तरह से, और मैंने हैंकी रख दी एक फोल्ड करके, इनको मैं रख दूंगी बेड के नीचे अपने गद्दे के नीचे, ताकि ढूंढने में आसानी हो। और दोस्तों सॉक्सों को मैं ऐसे बांध के रख देती हूँ, जैसे जोड़े में दो सॉक्स ऐसे गांठ लगा दिए, ताकि ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि सेम सेम कलर के कभी बहुत सारे सॉक्स हो जाते तो उनके जोड़े गड़बड़ हो जाते हैं आगे पीछे, इस पाँव का उस पाँव में, या मतलब सेम सेम हो जाते हैं, इससे अच्छा गांठ लगा के रख दो तो पहनने में भी जिसमें पहनते हैं तो उसमें निकालने में सुविधा होती है, और इन लोगों को कभी ढूंढते हैं तो मेरे शौक से बोलते हैं, इससे अच्छा ऐसे गाना लगा देते हो जिनको ढूंढने में सुविधा होती है, ऐसे गाना लगा देती हूँ मैं। तो दोस्तों आप कैसा करते हैं ये मुझे ज़रूर बताएगा, और मैं साथ साथ ही इनको रख देती हूँ कबर्ड में, क्योंकि ऐसे कपड़े फैले हुए अच्छे नहीं होते हैं, दुनिया भर के काम रहते हैं घर में रह गए फिर भी पूरे नहीं होते हैं। तो इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने आगे मक्खन बनाया था, तो अब मैं इसको रख देती हूँ गलाने के लिए, पिलाने के लिए घी बनने के लिए, ताकि टाइम पे बन जाए। और साथ साथ में आपको बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरा तीसरा गेहूँ आटा हो रहा, क्योंकि जिस दिन धूप आती है मैं आटा गेहूँ सुबह के आटा पीस देती हूँ घर में चक्की में। तो दोस्तों और मैंने सर में डाला हुआ टॉवल पतला सा, क्योंकि आटे से बहुत सारी सफ़ेद पूरा उड़ता है, किचन भी मेरा बहुत गंदा हो जाता है इसके चक्कर से, पूरा वाइट 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 हो जाता है किचन भी,
और अब मैं छानती हूँ पार्थी पूजा की मिट्टी, मैंने सुखा रखी है उसको छानती है, क्योंकि इस महीने हम पार्थी पूजा श्रावण में पार्थी पूजा करते हैं, अगर लास्ट तक कुछ अपनी प्रॉब्लम होती है उससे अगर नहीं हो पाए तो बात अलग है, कार्तिक में करेंगे, अगर हो गया तो श्रावण के लास्ट लास्ट में हम पार्थी पूजा करेंगे, तो वो मिट्टी भी मुझे छान के रखनी है ताकि बात के लिए शुद्ध है, वो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर। तो मैंने ये मिट्टी रखी है सुखाने के लिए, मैं इसको छान लूँगी, थोड़ा बहुत मोटी हो रखी है, इसमें से बारी निकल जाएगा, कुछ मैंने अंदर रखा हुआ है और कुछ इससे निकल जाएगा कमी ना हो करके मिट्टी की, तो मैं इसको भी छान लेती हूँ। ये अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी चाहिए, पर भी बाकी भगवान की कृपा जो भी इच्छा हो वो रहेगी। फाइनली दोस्तों घी बन के हो गया तैयार, ये उबाल आ रहा है तो मैं इसमें थोड़ा डालूंगी पानी के छींटे ताकि ये बैठ जाए, ये देखिए थोड़ा इसको हिलाते रहो पानी के छींटे डाल के, तो इसमें जो झाग बनता है वो बैठ जाता है, ये देखिए। फाइनली दोस्तों घी हो गया तैयार, अब मैं इसको रखूंगी डब्बे में, कम से कम पाव भर तो समथिंग लगा ही होगा। दोस्तों देखिए अगर हम मलाई खाते तो क्या था, मलाई हमको वैसे भी दिक्कत पहुंचाती है शरीर को, और आजकल के समय के हिसाब से वर्क हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम मलाई खाएंगे तो कितना फैट हमारा बढ़ेगा, इससे अच्छा घी बना दीजिए। और आजकल हो कितना महंगा रहा घी, देखिए हमारे एक पंथ तीन काज हो रही, मैंने आपको बताया हमने दूध मंगाया, दूध तो हमने सादा दूध पी लिया मलाई हटा के, फैट उसका निकाल दिया हटा दिया, तो इतना मेरा घी बन गया और मट्ठा भी बन जाता है हमारा। तो दोस्तों 650-700 रुपया समथिंग किलो आजकल घी हो रहा है, तो पाव भर एक बार मेरा बन जाता है, तो एक महीने में तीन बार भी हम बनाते हैं तो लगा ले तो 1.25 किलो बन जाता है, लगभग हमारा बन जाता है 400-450 रुपये का घी बन जाता है। तो दोस्तों कोई लॉस थोड़ी अच्छा ही है, तो आप भी ऐसा प्रयोग कीजिए, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की दिनचर्या आपको मेरी कैसी लगी, मैंने आपको अपनी दिनचर्या हल्की फुल्की दिखाई, इसमें काफ़ी और काम है जो मैंने आपको दिखाए नहीं, और मैंने आपको मक्खन बनाना है, जो कुछ भी आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों मेरा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैं करती हूँ वो मैंने आपके संग शेयर किया, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट में ये लिख दीजिए मुझे राधे राधे बहुत पसंद है, तो राधे राधे लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, गुड बाय।